छोड़ दिए हो किसी कारणवश। होता है ना, पढ़ाई छोड़ने का भी एक ये होता है, जैसे किसी का शादी हो गया, इंटर के बाद शादी हो गया, पढ़ाई तो छूट गया, वो रोजगार की तलाश में लगी हुई है। बहुत ऐसी घर की महिलाएं हैं, तो वो अगर पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो सरकार वैसे लोगों के लिए 1000 रुपया महीना भत्ता राशि देती है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप लोग 11-12 कीजिएगा, करने के बाद कहीं ना कहीं एडमिशन लीजिएगा, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन लेना है ना, पढ़ाई करना है ना, उसके आगे की पढ़ाई के लिए सरकार जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई है। क्या लाई है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कि आप अगर इंटर के बाद आगे कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या आजकल GNM बहुत सारा कोर्स है जो इंटर के बाद कर सकते हैं, है कि नहीं? पढ़ाई करने के लिए सरकार यहाँ 4 लाख तक का जो है राशि उपलब्ध करा रही है। इसको कह सकते हैं सहायता कम लोन। कहिए सहायता कैसे हुआ सर, लोन कैसे हुआ, इसका भी एक तरीका होगा ना। क्यों सरकार जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख तक की राशि देती है? क्योंकि आप लोग अगर कहीं पढ़ाई करने जाइएगा, आज मुंगेर में है, यहाँ से बाहर जाइएगा, बाहर रहने खाने का खर्च लगता है, किताब कॉपी का खर्च लगता है, कॉलेज का फी लगता है, इतना सारा चीज अगर मान लेते हैं आपको समस्या आ रही, सहायता कर रही है कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के दरमियान में आपको 1 रुपया उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। विद्यार्थी तो सब पढ़ेंगे, सबको लाभ लेना है, किससे कहाँ से लाभ लेना है, BRCC से, और वहाँ से सभी बच्चों को लाभ मिलेगा, सभी बच्चे भी एक वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, एलिजिबल है कुशल युवा प्रोग्राम। यहाँ देखो पीछे जो है ना 3 तरह का योजना का नाम लिखा हुआ है, पीछे 3 तरीका का योजना का नाम लिखा हुआ है, एक है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, किसी को क्या कहते हैं, हमने टेस्ट पास किया, ये वही क्या है कुशल युवा कार्यक्रम, यानी कुशल युवा का जैसे ही आप ट्रेनिंग करते हैं क्या मिलता है, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, सरकार से मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैट्रिक इंटर करना जरूरी है, वैसे ही कुशल युवा का ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है, ये बात सभी लोग दिमाग में रख लीजिए, है कि नहीं। अब पेशा क्यों जरूरी है, उसमें जो जो चीज पढ़ाया जाता है वो देखिए 3 तरीका का उसमें कोर्स कराया जाता है। आप जैसे भी बैठे हैं तो बैठने का ढंग सिखाया जाता है, क्या किसी से बात करना है, सर से कैसे बात करना है, घर में अपनी बहन से कैसे बात करना है, कैसे किसी को आंख दिखाना है और किसी से कैसे जो है ना बात करना है, वो सारा चीज का जेस्चर पोस्चर से लेके हर तरीका का जो है ना पढ़ाई प्लस कंप्यूटर का नॉलेज तो आज के डेट में सभी को होना चाहिए, है कि नहीं, वो नॉलेज भी साथ में दिया जाता है। ये कोर्स बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आगे चल के सभी लोगों को क्या करना है, कहीं ना कहीं नौकरी का तलाश करना है, क्या करना है, पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि हम रोजगार प्राप्त कर सके, हम एक अच्छा समाज तैयार कर सके, इसी कारण ना उसी चीज को बनाने में कौन सहायता देगा, कुशल युवा कार्यक्रम का ट्रेनिंग, और यही ट्रेनिंग आप लोगों को करना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें से कितने लोग हैं जो KYP में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं टेंथ के बाद तो बताओ, BRCC के बारे में जब पूछे थे तो क्यों नहीं बताई थी, हम जानते थे कि इसमें से बहुत ज्यादा बच्ची जो है KYP का ट्रेनिंग कर चुकी है, रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है, लेकिन ट्रेनिंग अभी नहीं की है ना। अब क्या है आपके पास, जब अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद थोड़ा समय मिलेगा, 3 महीना का ट्रेनिंग है, कितने दिन का, 3
महीना का ट्रेनिंग है, 3 महीना का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है। नजदीक में ही कोई केवाईसी सेंटर होगा, उस सेंटर में वो स्लिप लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको 3 महीना का जॉब और ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, चाहे आपके दोस्त हैं जो करवा लिए, अच्छी बात है, जो नहीं करवाए हैं वो सारे बच्चों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाने DRCC आना है। और कागज कौन कौन सा लगेगा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और ये उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास, एक फोटो है ना, ये सारा चीज का ओरिजिनल कॉपी लेके आना है, ठीक है। जो बच्चे नहीं करवाए हैं वो बच्चे चल के DRCC आगे करवा लीजिएगा। DRCC का एड्रेस जानते हैं किसको किसको पता है, जो आदमी कहिए उसको पता होगा। सदर ब्लॉक कैंपस जो है, सदर ब्लॉक का कैंपस, उसके जस्ट बगल में DRCC कैंपस, ठीक है, वहीं पे जाना है, टोकन करवा के आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, तो कॉन्टैक्ट पे जाके काम करवा लेना है, और आपका एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगा, वो स्लिप ला करके मैम के पास जमा करना है। जो बच्चे करवा लिए हैं वो सारा फोटो कॉपी करके मैम के पास जमा कीजिएगा, ठीक है। मैम यहाँ से काउंटिंग करके भेजेगी कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, कितने बच्चों का बाकी है। आप लोगों का अगर बाकी रहेगा तो 12th का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आप 12th में आने वाले हैं ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे ना, उस समय एडमिट कार्ड में समस्या आ जाएगी, उससे पहले करवा लेना है, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, KYP में किसी को कंफ्यूजन, क्यों करना है, क्या है, जानकारी प्राप्त हो गया। अब जो है आप लोग के घर में बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, उम्र भी 20 से 25 साल के बीच होगी, ठीक है। अगर उम्र 20 से 25 साल के बीच है और पढ़ाई छोड़ दिए हैं, इंटर पास हैं, कहीं भी एडमिशन नहीं लिए, तो वैसे लोगों को सरकार 1,000 रुपया महीना भत्ता राशि देती है, ठीक है ना। हम लोग कहाँ से आए हैं, DRCC मुंगेर, बोलो। मुंगेर में तो बहुत बड़ा जिला है ना, कहाँ से आए हैं, DRCC मुंगेर से। DRCC मुंगेर में कितने तरीका की योजना चलती है, 3 तरीका का, और ये तीनों योजनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए। आप लोग क्या हैं, किसके लिए हुआ, यानी आप लोगों के लिए हुआ कि नहीं, इसीलिए किसको समझाने आए हैं। हाँ, अब समझ में आया क्यों रोका गया था। अब ये जो तीनों योजनाएं हैं, पहला कौन सा है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बढ़िया से बोलो, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है, और तीसरा क्या है, कुशल युवा कार्यक्रम। यही तीनों लिखा होगा आपके पंपलेट में, है ना। अब ये तीनों योजनाएं क्या है, कैसे लाभ मिलेगा, क्वेश्चन तो आ रहा होगा मन में, और आप अभी कहाँ हैं, 11th में, इसके आगे 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई, सबके पास सपना होगा, और यही सपना साकार करेगी कौन, सरकार। कौन साकार करेगी, अलग अलग योजनाओं के नाम से। तो अभी 11th में हो तो किसके लिए एलिजिबल हो, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए, ठीक है। सभी लोग मैट्रिक पास कर गए, एज 15 वर्ष से ऊपर है, तो जिसका भी एज 15 वर्ष से ऊपर है, कहाँ नहीं, ये सभी के लिए, कहाँ लिखा हुआ है SC ST का, नहीं नहीं वो उसका अलग एज ग्रुप है, एज देखो उसके आगे एज भी लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये योजना जो है 15 वर्ष से ऊपर 28 वर्ष तक, 27 है या 28? 28, 15 वर्ष से 28 वर्ष तक सभी के लिए है, ठीक है। 28 के बाद 30 तक ना, 30 तक ओबीसी के लिए है।